हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। स्पेसिफिक स्पीड वैसे तो हम लोगों ने पढ़ी थी अबाउट द टर्बाइंस आल्सो, लेकिन टर्बाइंस में हम लोगों के लिए जो आउटपुट होता था वो होता था पावर। पावर के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक स्पीड वहाँ पर हम लोग डिफाइन करते थे। क्या थी डेफिनेशन पहले पंप में, टर्बाइन में वो याद दिला देता हूँ। टर्बाइन में हम लोग जब डिफाइन करते थे स्पेसिफिक स्पीड, तो वो एक ऐसी सिमिलर टर्बाइन की स्पीड होती थी जिसमें 1 यूनिट पावर जनरेट हो रहा है अंडर 1 यूनिट हेड। क्योंकि वहाँ पर जनरेट होता था पावर, इसलिए डेफिनेशन में आया था 1 यूनिट पावर अंडर 1 यूनिट हेड। सिमिलरली पंप जो यहाँ पर फाइनली प्रोड्यूस करता है, दैट इज योर डिस्चार्ज। इसीलिए यहाँ पर जब हम लोग पंप्स के लिए स्पेसिफिक स्पीड डिफाइन करते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन पड़ जाती है एक ऐसे पंप की स्पीड जिसमें 1 यूनिट डिस्चार्ज मिलता हो 1 यूनिट हेड के लिए। ऑफ कोर्स, चलिए यहाँ पर डेफिनेशन लिख के दे देता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। दैट इट इज द स्पीड ऑफ अ सिमिलर पंप विच इज वर्किंग अंडर 1 यूनिट हेड, वर्किंग अंडर 1 यूनिट हेड एंड प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट डिस्चार्ज। 1 यूनिट डिस्चार्ज प्रोड्यूस करेगी 1 यूनिट हेड में, तो वो जो स्पीड होगी उसको क्या बोल देंगे हम लोग, एज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप। अगेन, ये भी जो स्पेसिफिक स्पीड है पंप की, ये भी हम लोग यूज करते हैं टू चूज विच टाइप ऑफ पंप इज टू बी इंस्टॉल्ड। कैसे बताते हैं, आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि डिस्चार्ज के बारे में बात कर रहे हो, और डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला हम लोगों को पता है, दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। अगर मैं अगेन प्रोपोर्शनलिटी की बात करता हूँ, जैसे मैंने टर्बाइन से केस में बात करी थी, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, वेयर एज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एच। कैसे, तो आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर कि वेलोसिटी इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ 2gh इनटू cv, वेयर एज एरिया इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर चलिए मैं डायमीटर की ही बात करता हूँ, तो हम लोगों को ये भी पता है दैट u इज इक्वल्स टू होता है पाई डी एन बाय 60, एंड दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ h। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ दैट d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ h बाय n। इधर पुट कर देता हूँ, so that will be equals to under root of h by n ka whole square into under root of h, yes or no? So इसी को further solve करेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ that discharge is directly proportional to h raised to power 3/2 divided by n square। इसी को further अगर यहाँ पर solve करें, तो proportionality हटाने पर एक constant मिल जाएगा k, जिसको मैं लिख देता हूँ k into h raised to power 3/2 divided by n square। मुझे ये पता है that if discharge is equals to 1 and h is equals to 1, then जो n की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, स्पेसिफिक स्पीड के बराबर हो जाएगी। सो यहाँ से k के लिए इक्वेशन क्या मिल जाएगी, k will become equals to ns square। ठीक है, ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, ये वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करी है हमने, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, दैट q इज इक्वल्स टू ns स्क्वायर इनटू h रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। यहां से अगर ns के लिए इक्वेशन लिखता हूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, n स्क्वायर इनटू q अपॉन h रेज टू पावर 3/2। ns के लिए अगर एग्जैक्टली इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, n अंडर रूट ऑफ q डिवाइडेड बाय h रेज टू पावर 3/4। खैर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने इसके पहले भी यूज करा है, लेकिन हाँ, फाइनली डेरिवेशन कैसे आता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। डेरिवेशन खैर सिंपल है, जैसे कि आपने पंप्स में सीखा था वैसे ही, एग्जैक्टली डेफिनेशन भी वैसी ही है जैसे कि आप लोगों ने सीखी थी टर्बाइंस में। सो चलिए अभी यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पीड है, इसके बेसिस पे अगेन हम लोग पंप कैसा देना है ये कैसे डिसाइड करते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पर 10 से 30 के बीच में हो अगर आपकी स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप, देन यहाँ आप देते हो लो हेड
लो हेड पंप्स। बट अगर मान लीजिए ये 30 से लेकर 50 के बीच में हो तो आप देते हो मीडियम हेड पंप्स। लेकिन ये जो भी पंप्स होते हैं ये होते हमारे कैसे, ये हमारे होते हैं रेडियल पंप्स। 50 से लेकर अगर 80 के बीच में होगा तो हम लोग देते हैं हाई हेड रेडियल पंप्स। तो ये तीनों के तीनों ही क्या है, दीज थ्री आर द रेडियल पंप्स, ठीक है। बट अगर 180 से 160 के बीच में हो हमारी स्पेसिफिक स्पीड तो फिर वहां पर आप देते हो मिक्स्ड फ्लो पंप्स, मिक्स्ड फ्लो पंप्स। और अगर ये 160 से 500 के बीच में हो स्पेसिफिक स्पीड देन आप यहां पर देते हो हमारा एक्सियल फ्लो पंप्स। तो ये तो बात हो गई कि अगर आपको कभी वो सिर्फ पंप का नाम पूछ ले तो, लेकिन हम लोग जनरली किस पंप के बारे में पढ़ते हैं तो आप जानते हो रेडियल फ्लो पंप के बारे में ही हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया है। सो ऑफकोर्स उस पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर करके देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन ऑफकोर्स आपका ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, कन्वेंशनल में अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रैक्टिस में, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख ही लेंगे ईजी वाले क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। द डायमीटर एंड विड्थ ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इंपेलर आर, डायमीटर दिया हुआ है एज 300 mm, सो 300 mm इज इक्वल टू 0.3 meter। और आगे क्या बोल रहा है, विड्थ की वैल्यू दे दी हम लोगों को एज 0.06 meter। आगे बोल रहा है कि भाई पंप डिलीवर कितना कर रहा है लिक्विड, तो डिस्चार्ज दे दिया हम लोगों को एज 0.144 meter cube per second, लीटर पर सेकंड में दिया था, कन्वर्ट कर लेना उसको। और मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दे दी है, ईटा मैनोमेट्रिक इज गिवन एज 85%। और साथ में दे दिया इफेक्टिव वेन एंगल एट आउटलेट दैट इज फाई की वैल्यू दे दी है एज 30 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है, दैट द स्पीड ऑफ रोटेशन दैट इज एन इज गिवन एज 950 rpm। पूछ क्या रहा है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप बता दो। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप निकालना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले में चाहिए मेरे को एच, दैट इज मैनोमेट्रिक हेड। सो ऑफकोर्स यहाँ पर मैनोमेट्रिक हेड निकालना पड़ेगा पहले, तो उसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो पहले वी एफ की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब वी एफ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को ये पता है डेथ डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है पाई डी टू इंटू बी टू इंटू वी एफ टू, ये पता है हम लोगों को। डिस्चार्ज की वैल्यू दी हुई है एज 0.144, पाई पता है, डी टू पता है 0.3 हो जाएगा, बी की वैल्यू पता है 0.06 है, यहाँ से इजीली आप वी एफ टू की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लोगे एंड दिस वी एफ टू विल कम अप टू बी 2.55 meter per second। अच्छा मैनोमेट्रिक हेड निकालना है तो मेरे को ये भी पता है कि यू की वैल्यू चाहिए रहेगी, और यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी टू एन बाय 60, पाई डी टू की वैल्यू पता है 0.3 है, एन की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में एज 950 अपॉन 60। सो ऑफकोर्स यहाँ से यू टू की वैल्यू भी आ जाएगी एंड दिस विल कम अप टू बी 14.92 meter per second। यू टू की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर मैं आउटलेट का ट्राइंगल बनाता हूँ, किसका, वेलोसिटी ट्राइंगल बनाऊँ अगर, तो ये मेरे को पता है दिस इज वी एफ टू, दिस इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू टू, और ये पूरा है कितना, यू के बराबर। ये एंगल फाई है, ये एंगल, ये डिस्टेंस वी आर टू है। खैर यहाँ से अगेन इधर से भी अगर मैं लिखता हूँ टेन फाई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी एफ टू अपॉन यू टू माइनस वी डब्ल्यू टू। ये क्यों कर रहा हूँ, वी डब्ल्यू टू निकालने के लिए अगेन। सो देखेंगे यहाँ पर U2 पता है 10 phi, phi की वैल्यू पता है 30 डिग्री है, इज इक्वल्स टू वी एफ टू की वैल्यू निकालनी है। अच्छा वी एफ टू की वैल्यू खैर ये हमने निकाल ली थी, यहाँ पर चलिए वैल्यू पुट कर देता हूँ, सो दैट इज इक्वल्स टू 2.55 डिवाइडेड बाई U2 की वैल्यू पता है दैट इज 14.92 माइनस वी डब्ल्यू टू। सो ऑफकोर्स इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, वी डब्ल्यू टू की वैल्यू मिल जाएगी और इधर से वी डब्ल्यू टू आ जाता है इक्वल्स टू वी 10.5 meter per second। ठीक है आगे क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दे दी है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको पता है दैट इज इक्वल्स टू जी इंटू एच मैनोमेट्रिक अपॉन वी डब्ल्यू टू इंटू यू टू।
वैल्यू सारी पुट कर लेते हैं, मैनोमीटर की एफिशिएंसी की वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल टू 0.85 हो जाएगा, जी की वैल्यू पता है, एच मैनोमीटर निकालना है हमको, VW2 की वैल्यू पता है 10.5 है, और U2 की वैल्यू पता है आपको एज 14.92. सो यहां से H मैनोमेट्रिक मिल जाएगा, एंड दिस H मैनोमेट्रिक विल कम अप टू बी 13.57 मीटर. ये आ गया है, तो स्पेसिफिक स्पीड इजीली निकाल लोगे, एंड द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्पीड विल बी इक्वल्स टू n अंडर रूट ऑफ q डिवाइडेड बाय h रेस टू पावर 3/4. वैल्यूज में यहां पर पुट करता हूं, n की वैल्यू मेरे को दी हुई है एज 950 इनटू अंडर रूट ऑफ q, q की वैल्यू पता है हम लोगों को दी हुई है एज 0.144, और h की वैल्यू पता है हम लोगों को यहाँ पर निकाली हम लोगों ने अभी 13.57 रेस टू पावर 3/4. सो ऑफ कोर्स इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 51. दैट मींस आप इजीली यहाँ से स्पेसिफिक स्पीड फाइनली कैलकुलेट कर चुके हो, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन किस तरह से करना है, ये तो खैर कन्वेंशनल क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने वाला, उसमें भी आपको दो नंबर मिल जाते हैं. खैर एक्जैक्टली क्या सच में ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं हम लोग को प्रीवियस ईयर एग्जाम में, टर्बाइन में तो हमने देखा ही था कि स्पेसिफिक स्पीड पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस मिले थे, यहाँ पे भी ऑफकोर्स इसी तरह से क्वेश्चंस मिलते हैं, देखेंगे बिल्कुल हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे. लेकिन अभी पंप में और भी बहुत सारा पार्ट है जिसको हम लोग को कवर करना बाकी है, तो उसके लिए भी हम लोग चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे. हैप्पी इंजीनियरिंग.